सुप्रभात बच्चों, आज हमारी हिंदी की कक्षा में आप लोग का स्वागत है। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे संज्ञा के विकार वचन। संज्ञा के विकार वचन, ठीक है। वचन शब्दों का वह रूप जिससे उसके द्वारा बताई गई वस्तुओं की संख्या का एक या एक से अधिक होने का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे शब्दों के द्वारा बताए गए वस्तुओं के जो हमें ज्ञान होता है, जैसे हम शब्द में बोलते हैं कि वह एक गाय है, और उससे हमें क्या पता चलता है कि वह एक गाय है। अगर हम बोलेंगे वह गाय है, यानी बहुत सी गाय हैं, ठीक है। चलिए, हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में कितने वचन होते हैं? दो होते हैं। और हमारे संस्कृत में कितने वचन होते हैं? तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और हमारे हिंदी में होते हैं एक वचन और बहुवचन। देखिए, वचन एक वचन, बहुवचन। पहला हमारा एक वचन, देखिए, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लोमड़ी, कार, चिड़िया। लोमड़ी मतलब एक लोमड़ी, कार मतलब कार, चिड़िया मतलब एक चिड़िया, ठीक है। अब बहुवचन देखेंगे। बहुवचन हमारा है शब्द के जिस रूप से उससे उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लोमड़ियाँ, कारें, चिड़ियाँ आदि। लोमड़ियाँ मतलब बहुत सी लोमड़ियाँ, कारें मतलब बहुत सी कारें, चिड़िया मतलब बहुत सी चिड़ियाँ, ठीक है। हम नेक्स्ट देखेंगे वचन का प्रभाव। अगला हमारा है वचन का प्रभाव। वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदल जाता है। वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा है, इसका रूप कैसे बदल गया? लड़के खेल रहे हैं, इसका क्रिया और रूप भी बदल गया है, ठीक है। अब देखिए दूसरा है, कुछ संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक जैसे होते हैं। जैसे घर, साधु, हार, मंदिर, आंसू, पानी, बादल, जनता, भीड़, आदमी, पेड़, पिता आदि। ऐसे जो इतने शब्द हैं और भी अधिक शब्द हैं जिनको हम बहुवचन में नहीं बदलते, इनका एक वचन और बहुवचन सब एक ही होता है, ठीक है। अब कुछ हम एक वचन और बहुवचन के नाम लिखें, ठीक। चलिए एक वचन में देखते हैं, माला। माला मतलब एक माला। मालाएं, मालाएं मतलब बहुत सारी मालाएं। ये हमारा माला एक वचन है और मालाएं बहुवचन है। पुस्तक, पुस्तक हमारा एक वचन है, एक वचन मतलब एक है। पुस्तकें, पुस्तकें हमारा क्या है? बहुवचन है, मतलब बहुत सारी पुस्तकें। चिड़िया, चिड़िया हमारा क्या है? एक वचन है, चिड़िया मतलब एक चिड़िया, और चिड़िया मतलब बहुत सारी चिड़िया, क्योंकि ये बहुवचन है, ठीक। अब कपड़ा, कपड़ा हमारा क्या है? एक वचन है। अगर कपड़े हो जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। जैसे लता, लता हमारा क्या है? एक वचन है। और लताएं, लताएं मतलब बहुवचन, यानी बहुत सारी लताएं, ठीक है। बच्चों समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया होगा तो आप इसे लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।